तो आप अपनी गवाही बड़े चाव के साथ, बड़े उत्साह के साथ, देखो प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया। गवाही प्राणी नहीं होती, गवाही हमेशा नहीं होती है। मैं ऐसा था, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे जीवन में ऐसा था, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया। आप में से हर एक व्यक्ति के जीवन में एक एक गवाही नहीं, पता नहीं कितनी कितनी गवाहियां हैं। तो उन गवाहियों को प्रभु के आगे रखें, लोगों के सामने रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं गवाही क्यों देना चाहिए, गवाही के क्या देने के क्या लाभ हैं, गवाही को क्यों देना चाहिए। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 39 वचन, 39, यूहन्ना 4 अध्याय और 39 वचन, यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय और 39 वचन। स्तुति हो पिता। गवाही देने के लाभ, गवाही देने का फायदा, क्यों गवाही देना चाहिए, यूहन्ना 4 अध्याय 39 वचन। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से प्रभु यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी। हालेलुया। क्योंकि उस औरत ने गवाही दी थी, क्या गवाही दी थी वो अलग बात है, उस औरत ने गवाही दी थी, इसके कारण सामरियों के नगर के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास किया। क्योंकि सामरी औरत ने क्या किया था, गवाही दी थी, उसने गवाही दी अपने गांव में जाकर। आपको चर्च में भी गवाही देना है, अपने साथ जो संबंधित लोग उनको भी गवाही देना है। उसने गवाही दी और बहुत से लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया उस गवाही से। अगर आपकी गवाही से किसी के जीवन में चमत्कार होता है, अगर आपकी गवाही से किसी का जीवन बदलता है, अगर आपकी गवाही से किसी के पाप क्षमा हो जाते हैं, अगर आपकी गवाही से किसी का मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है, अगर आपकी गवाही से उसके रोग चंगे हो जाते हैं, आपको पता है गवाही सुनने से रोग चंगे हो जाते हैं, तो इसका प्रतिफल भी किसको मिलता है, आपको मिलेगा, इसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। हालेलुया। इसका प्रतिफल आपको मिलेगा कि इसकी गवाही सुनने से उसका हृदय छिद गया था, उसके मन में आ गया था प्रभु ने इसके साथ किया है, मेरे साथ भी ऐसा करेगा, और उसने उस गवाही को सुना था। जब मरकस 1 अध्याय 44 वचन पढ़ते हैं हम लोग, मरकस की अंजील 1 अध्याय 44 वचन 144, उसने कहा देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को यज्ञ को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। हाँ, तो एक कोढ़ी था, कोढ़ सबसे बड़ी बीमारी थी उस समय, सबसे लोग इसी बीमारी से दुखित होते थे। परमेश्वर मसीह जी ने उसे चंगा किया। जब परमेश्वर मसीह जी ने चंगा किया तो परमेश्वर मसीह जी ने कहा जा चर्च में, जा जा आराधनालय में, जा और जाकर बलिदान लेकर जाना, और जाकर बलिदान चढ़ा और वहां पर गवाही दे। जब बलिदान चढ़ाया जाएगा, यानी कि वहां उस पर यह बताना था, देखो मैं चर्च में ये लेकर आया हूं, ये बलिदान चढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं कोढ़ी था और परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जा चर्च में, जा और जाकर बलिदान चढ़ा, ताकि दूसरे लोगों पर क्या हो, गवाही हो। तो यहां हम लोग देखते हैं उस औरत ने गांव में जाकर प्रचार किया, गांव में जाकर गवाही दी, और गांव के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उन्हें चंगाई, छुटकारा और ब्लेसिंग मिली। यहां पर दूसरी बात में हम लोग देखते हैं कि इसको कहा गया परमेश्वर जी ने कि तू चर्च में जा, आराधनालय में जा, चर्च में जाकर क्या कर, तू बलिदान चढ़ा और गवाही दे। और मैं सीधा सिर्फ इतना ही कहता हूं, वहां पर जाकर गवाही देने का काम कर।
तो चर्च में आकर आपको गवाही भी देनी है, हालेलुया, कि परमेश्वर जी ने आपके लिए क्या किया। आपके अंदर एक भटकन लगी होनी चाहिए, आपके अंदर एक ऐसी प्यास लगी होनी चाहिए, मुझे एतवार को जाना है, गवाही देनी है, मुझे तो जाकर गवाही देनी है, हालेलुया। देखिए गवाही देने के लाभ क्या होते हैं। पहली बात तो यह है कि आप आज्ञा पालन करते हैं, यह परमेश्वर की आज्ञा है और आप आज्ञा का पालन करते हैं। जब आप गवाही दे रहे होते हैं आप आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरी बात यह है, दूसरा लाभ कहूं तो दूसरा लाभ यह है, आपकी गवाही सुनकर विश्वास बढ़ता है, विश्वासियों का, नए लोगों का, विश्वासियों का, जो विश्वासी लोग होते हैं, चर्च के पुराने लोग भी होते हैं, चाहे मैं भी हूं, आपकी गवाही सुनकर मुझे क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। आज गवाही सुनी उस बहन की, जब पहली बार उसे पवित्र आत्मा ने छुआ, तेल, पवित्र तेल से जब उसका मसा किया गया और पथरी बाहर निकल गई, तो ये गवाही सुनकर आपका विश्वास बढ़ा होगा, मेरा विश्वास भी बढ़ता है, आपका विश्वास भी बढ़ता है। इसलिए जब आप गवाही देते हैं, पहला लाभ क्या है, आप आज्ञा का पालन करते हैं, दूसरा गवाही सुनकर विश्वासियों का विश्वास बढ़ता है, तीसरी बात गवाही सुनकर नए लोगों का विश्वास बढ़ता है, जो चर्च में नए लोग आए होते हैं या चर्च लाइव देख रहे होते हैं उनका भी क्या होता है, विश्वास बढ़ता है कि देखो इनके साथ प्रभु ने किया और मेरे साथ भी प्रभु ऐसा ही आशीष वाले बात करेंगे, हालेलुया। चौथी बात यह है कि गवाही सुनकर लोग उद्धार पाते हैं, गवाही सुनकर लोग उद्धार पाते हैं, गवाही सुनकर लोग चंगाई पाते हैं, गवाही सुनकर लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं, गवाही सुनकर लोग धन की आशीष पाते हैं। यानी कि जैसी आपकी गवाही वैसा दूसरों के जीवन में चमत्कार। कोई कहता मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी, मेरे अंदर मसानी थी, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी 20 सालों से थी, तो वहां कोई बैठा होता है 1 साल वाला, वो कहता अरे इसके तो 20 सालों से दुष्ट आत्मा थी, मुझे तो 1 साल की है, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे, तो उनका विश्वास बढ़ता है और वो दुष्ट आत्मा छुटकारा पाता है। अगर किसी ने गवाही दी तो मेरे घर में तो ऐसा था, मेरे घर में तो दुख थी, मेरे घर में तो पीड़ा थी, मेरे घर में तो पैसे नहीं थे, जब से मैं चर्च में आया पर विश्व मसीह ने मुझे ब्लस किया, मेरे घर में धन संपत्ति आ गई, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने प्लाट खरीदा, मैंने घर खरीदा, तो वहां जो और लोग होते हैं उनके अंदर विश्वास बनता है, मैं भी अगर प्रभु की आराधना करूंगा तो मुझे भी प्रभु ऊंचा करेंगे और वो भी ऊंचे हो पाते हैं, हालेलुया। और जानने के मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी ने गवाही दी कि मेरे पाप थे और प्रभु यीशु जी ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, तो जिन लोग जो लोग पाप कर रहे होते हैं उनको होता है मेरे पापों को भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा, ठीक है। और कुछ गवाही देते हैं, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, अन्य भाषा का वरदान मिला, और कई इतने 15-15, 20-20 सालों से, 25-25 सालों से ऐसे हैं, वर्षों से, 25-25 वर्षों से ऐसे लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो उनके मन में एक विश्वास बढ़ता है, मुझे भी क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। और विश्वास करने वालों के लिए फिर सब कुछ हो सकता है, आपकी गवाही ने उसके अंदर विश्वास पैदा कर दिया, चंगाई का, दुष्ट आत्मा से छुटकारे का, धन की आशीष का, सफलता का, पापों की क्षमा का, अनंत जीवन का। जैसी गवाही आपकी वैसा ही लोगों को जो चाहिए होता है उनके जीवन में चमत्कार होता है, हालेलुया। गवाही को सुनने वाले के जीवन में चमत्कार होता है, इसलिए गवाही दें। और पांचवी बात, गवाही देने से परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की महिमा होती है, किसी इंसान की महिमा नहीं होती, परमेश्वर की महिमा होती है कि परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, हालेलुया, 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 हालेलुया। और छठी बात यह होती है, इसमें शैतान की हार होती है और शैतान शर्मिंदा होता है ना, क्योंकि शैतान ने उसे पकड़ा होता है, शैतान उसे बीमारियों में जकड़ा हुआ होता है और शैतान शर्मिंदा होता है, आत्मक उसकी सेना है, उसके बहुत से आत्मक दूत हैं, सब शर्मिंदा होते हैं कि देखो हमने तो इसको कैद करके रखा था, हमने तो बीमारियां लगा कर रखी थी, आज ये गवाही दे रहे हैं कि पर विश्व मसीह ने हमें विजय दी है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होती है और शैतान शर्मिंदा होता है, तो इसलिए गवाही देना ना भूलें, अपनी गवाही को दें,